नमस्कार, मैं आपके साथ सारा खान। आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आइए देखते हैं आज की यह खास न्यूज। एनआईटी 86 विधानसभा क्षेत्र से प्रबल दावेदार और इनेलो की महिला जिला अध्यक्ष जगजीत कौर पन्नू से हमारे वरिष्ठ संवाददाता विनोद वैष्णव ने खास बातचीत की। जगजीत कौर पन्नू ने कहा, बीजेपी की सरकार में एनआईटी 86 विधानसभा नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। साथ ही उन्होंने बताया कि विपक्ष के नेता झूठ की राजनीति करते हैं और जनता ने अपना प्यार और आशीर्वाद दिया तो एनआईटी 86 विधानसभा से मुझे विधानसभा में भेजेंगे। लेकिन हमारे पत्रकार विनोद वैष्णव ने एनआईटी 86 विधानसभा क्षेत्र से इनेलो की प्रबल दावेदार जगजीत कौर पन्नू से पूछा कि इनेलो पर जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति करने का आरोप लगता है, तो आइए जानते हैं क्या कहती हैं जगजीत कौर पन्नू। नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आज हमारे साथ मौजूद है इनेलो की महिला की जिलाध्यक्ष जगजीत कौर पन्नू, जो कि विधानसभा 86 से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अगर हाईकमान उन्हें टिकट देता है तो किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेंगी, आइए हम जानते हैं। तो मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे अगर हाईकमान आपको मौका देता है? अगर हमें हाईकमान मौका देता है इस बार विधानसभा में अपनी किस्मत आजमाने के लिए, तो सबसे पहला जो हमारा मुद्दा है, अगर आपने एनआईटी 86 के अंदर देखा होगा, अभी तक जो भी नेता लोग आए उन्होंने आज तक का हिसाब है, 50 साल हो गए एनआईटी 86 में इन कॉलोनियों को बने हुए, सिर्फ पानी और सड़क के अलावा किसी और मुद्दे पे बात ही नहीं की गई। हमारा सबसे पहला मुद्दा है कि एनआईटी 86 को सड़क और पानी के अलावा अच्छे स्कूल चाहिए ताकि एजुकेशन बेटर हो। अगर एजुकेशन बेटर होगी तो आने वाला भविष्य जो होगा वो हमारे देश का बहुत बेहतर होगा। नंबर दो, हमें चाहिए रोजगार। रोजगार के नाम पर हमें ठगा जा रहा है। इस सरकार ने रोजगार के नाम पे किसी को कुछ नहीं दिया। इनफैक्ट जो रोजगार लोग थे भी एम्प्लॉयड, वो आज की डेट में अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ जो कंपनीज हैं, मान लिया सरकारी नौकरियाँ उतनी नहीं हैं, अगर हमें चांस मिलता है तो सबसे पहले हम टारगेट करेंगे हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज हैं कि प्लीज़ जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं उन्हें एक मौका दिया जाए। 50% रिजर्वेशन हरियाणा की बच्चों की हो यहाँ की कंपनीज के अंदर, ताकि उन्हें एक अच्छा रोजगार मिले और वो एक बेहतर भविष्य बना सके। मैडम, आपके विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं इनेलो पर कि ये तो जातिवाद, धर्मवाद और वंशवाद की पार्टी है, पहले बाप फिर बेटा, इन क्षेत्रीय पार्टियों में यही होता है। कहाँ तक आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। अगर आप बात करते हैं, बीजेपी हमेशा जो बात करती है जाट एंड नॉन जाट की करती है। कांग्रेस को अगर हम लेकर आते हैं तो कांग्रेस हिंदू और मुस्लिम की बात करती है। इनेलो एक ऐसी पार्टी है जो 36 बिरादरियों को साथ लेके चलती है। धर्म और इनेलो एक ऐसी पार्टी है जो धर्म और जातिवाद से ऊपर उठकर एक आम इंसान को मौका देती है। वो जाति और धर्म नहीं देखती, वो ये देखती है वाकई में ये कार्यकर्ता कार्य करने लायक है, जो लोगों के बीच में जाकर लोगों की समस्याओं को सुनता है, उनका समाधान करता है। ऐसे लोगों को हमेशा पार्टी ने तवज्जो दी। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए जी, और बीजेपी को छोड़कर सारे विपक्ष का हाल बहुत बुरा रहा, क्या मान कर सकते हैं इनेलो कुछ गुल खिलाफ आएगी विधानसभा चुनाव में? देखिए, इनेलो को तो लोगों ने दो बार पहले भी कहा इनेलो खत्म हो चुकी है। जब इन्होंने कहा खत्म हो गई तो हम 32 सीट लाए, अभी आपके पीछे 2014 में 19 सीट लेकर आए। ये तो कहने वाले कहते रहेंगे कि इनेलो खत्म होगी, ना इनेलो पहले कभी खत्म थी, ना है, ना कभी आगे होगी। जहां तक बात करते हैं हम लोकसभा चुनावों की, लोकसभा चुनाव अगर आप लोगों ने गौर किया हो, किसी पार्टी के नाम पे वोट नहीं मांगे गए, वोट मांगे मोदी जी के नाम पे। हम कहीं भी गए हैं लोग बीजेपी की बात नहीं करते थे, लोग बात करते थे मोदी को वोट दो। तो वो एक मोनोपोली होगी एक इंसान की कि जिसके नाम पे वोट मांगे गए। अगर बीजेपी अपने नाम पे जाके वोट मांगती ना तो बीजेपी का भी हर्ष वो होता जो आज आप लोग दूसरी पार्टियों के लिए वोट चूज कर रहे हैं। तो एक वन मैन शो है, वन मैन शो के ऊपर ही काम किया जा रहा है। मैडम, बात करें अगर आपको एनआईटी 86 की जनता चंडीगढ़ भेजने का काम करती है तो सबसे पहले क्या कार्य कराने चाहेंगे आप? विनोद जी, अगर एनआईटी 86 की जनता अपनी इस बेटी को, अपनी इस बहन को ये चांस देते हैं तो सबसे पहला कार्य ये होगा जो आज तक नहीं हुआ कि हमारे यहाँ पे अच्छे से अच्छे स्कूल कॉलेजेस जहाँ पे स्पेस है वो बनाए जाएं। नंबर दो पे मेडिकल सुविधा। वाकई अगर आप देखेंगे हमारी कॉलोनी के अंदर, हमारे एनआईटी 86 पूरे के अंदर बहुत ही मीडियम क्लास के लोग रहते हैं, जो बहुत
महंगा मेडिकल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो दूसरी हमारी सुविधा हम देना चाहेंगे एनएचसीआरसी की जनता को कि हम यहाँ पे कोई अच्छा हॉस्पिटल बनवा सकें ताकि लोगों को इतनी दूर तक धक्के खाने के लिए ना जाना पड़े। हमारी जो छोटी 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 समस्या से ले कहूँगी क्योंकि NIT 86 मेरी जन्मभूमि और कर्म भूमि दोनों रही है। तो जब से पैदा हुए हैं हमने देखा है कोई भी सरकार आई या गई उसने NIT 86 के लोगों को पानी और सड़कों से ऊपर नहीं उठने दिया। तो हम ये चाहेंगे कि इस बार अगर मौका मिला हम पानी जैसी समस्या, क्योंकि रैनीवाल अगर आप देखें तो रैनीवाल को लाने वाले चौटाला साहब थे, आज उनका कहीं नाम नहीं है। आज ये लोग अपने नाम के अंदर कर रहे हैं कि हम लोग रैनीवाल लेकर आए हैं। मौजूदा विधायक कहते हैं कि मैंने NIT 86 में करोड़ों के विकास कार्य कराए हैं, कोई गली ऐसी नहीं छोड़ी जिसको पक्का ना कराया गया हो, कोई खंभा ऐसा नहीं जिसपे लाइट न लगवाई गई हो, कहाँ तक आप इस बात से सहमत हैं? विनोद जी, NIT 86 बहुत दूर नहीं है आपसे, आप चलकर देखिए। अफसोस की बात है, बनी हुई सड़कों को तोड़ा गया, उन पे खड़ंजे लगाए गए। मैं ये कह रही हूँ अगर पक्की सड़क है और गवर्नमेंट ये कह रही है इनको तोड़कर आप इन पे खड़ंजे लगाइए, टाइल्स लगाइए, ताकि जो बरसात का पानी है वो नीचे जाए और पानी का लेवल बढ़े। पर NIT 86 की अगर जो सड़कें इन्होंने बनाने का कार्य किया भी है, पूरी सड़कें नहीं बनी है, अभी पीछे भी अगर आपने देखा हो तो जो हमारी प्याली वाली रोड है बुरा हाल है, उसके बाद अगर आप आ जाते हैं ये प्यावल फूल वाली रोड उसका बुरा हाल है, अंदर जाते हैं कॉलोनियों के अंदर बुरा हाल है। पर जिन सड़कों को भी इन्होंने बनाया है ना उनके ऊपर सिर्फ टाइल्स बिछा दी गई हैं सिर्फ दिखावे के लिए कि हम लोग देखिए सड़कें बना रहे हैं। ये तो इनके खाने का तरीका है, इन्होंने भेड़ चाल बना रखी है कि जब भी आओ सड़कें बनाओ और जितना पैसा आप कमा सकते हो कमाओ। पर सच्चाई यही है, आज से पहले भी जो हालात हमारे रोड्स के थे आज भी वही हैं, और अगर आज आप देखेंगे अगर चार बूंद पानी की पड़ जाएंगी वहाँ पे तो जलमग्न हो जाएगी पूरा हमारा NIT 86। पैदल तो आप वहाँ से चल ही नहीं सकते हैं। तो मैं तो विधायक महोदय से ये कहूँगी कि जो विकास का नारा आप बार बार दे रहे हैं एक बार जनता के बीच में आई हो तो सही, जनता आपको वो प्यार देगी शायद आप जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे। और हमारा विधायक जी को एक ओपन चैलेंज है कि आप सामने आइए और ओपन डिबेट कीजिए, जनता के बीच में आकर बताइए आपने क्या कार्य किए, जनता आपको खुद ब खुद जवाब देगी। सिर्फ और सिर्फ मुंह छुपा के और कहीं पे भी आप अपने अकेले में बैठ के ये कहते हैं मैंने बहुत विकास कार्य कराया है, तो जनता के पास आपके पूरे 5 साल का जो आपने विकास किया पूरा हिसाब किताब है वो आपको इस चुनाव में देगी और ब्याज सहित वापस करेगी। मैडम आप एक खुद महिला हैं और महिलाओं की अगर हम बात करें पूरे देश में प्रदेश में तो इनेलो कितने परसेंट इलेक्शन लड़ाएगी महिलाओं को? इस बार इनेलो ने कहा है कि वो 33% महिलाओं को चांस देगी। मैं तो एक बात आपके चैनल के माध्यम से हर एक से ये कहना चाहती हूँ, महिला हूँ, महिला होने के नाते हम ये नहीं कहते आप रिजर्वेशन में 33% महिलाओं को ही लेकर आइए, ये कहना चाहती हूँ कि बहुत काबिल महिलाएं बैठी हैं, जो महिलाएं एक अच्छे तरीके से घर भी चला सकती हैं राजनीति भी चला सकती हैं, उनसे बेस्ट राजनीतिक कोई नहीं हो सकता इस दुनिया के अंदर। जो भी महिलाएं आज तक राजनीति में आई उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला है, और ये कहना चाहूंगी अगर महिलाओं को चांस मिलेगा तो आज जो देश की स्थिति है इससे कहीं बेहतर होगी। अगर आप अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, अगर आप किसी भी थाने में जाकर देखें महिलाओं के साथ जो दुर्गति हो रही है वो कहीं पे भी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे हम लोग पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। तो महिलाओं की सुनवाई आज की तारीख में बहुत बहुत कम हो चुकी है, और अगर मौका मिला मेरा तो एक ही मकसद है, महिलाओं के लिए जी जान से जो कार्य नहीं हुए हैं वो हम करें। और मैं तो महिलाओं से भी कहना चाहूँगी आगे बढ़कर आप बाहर निकलिए और हिस्सा बनिए इस राजनीति का, ताकि हम जो घर में बैठ के कह रहे हैं हम ये बदलाव ला सकें और महिलाओं के लिए वो लड़ाई लड़ सकें जिस लड़ाई को आज तक कोई लड़ा नहीं है हमारे लिए। हमें ये लड़ाई खुद लड़नी है और जीत कर अपने लिए आगे बढ़ने के मौके तलाश करने। मैडम बीजेपी कहती है कि हमने अनेक युवाओं को रोजगार दिया, अनेक उद्योग धंधे स्थापित किए फरीदाबाद में, कहां तक आप इस बात से सहमत हैं? विनोद जी मैं तो सीधा सवाल पूछना चाहती हूं, हमारे यहां से सांसद किशन पाल गुर्जर, हमारे यहां के उद्योग मंत्री विपुल गोयल जी, हमारा विधायक नगेंद्र भड़ाना, ये तीनों इस बात का जवाब दें कि इन 5 सालों के अंदर कौन सी मदर यूनिट है जो फरीदाबाद में आई है जिसके लिए कह रहे हैं कि उद्योग धंधे बढ़े हैं। इनफैक्ट ये हुआ है कि उद्योग धंधे यहाँ से बंद हुए हैं और बहुत जल्दी JCB भी यहाँ से मूव करने वाली है, लास्ट पहले बाटा बंद हुई है, तो कौन से उद्योग धंधे हैं? वो जनता को नजर तो आने चाहिए ना। इनफैक्ट एक काम और हुआ है कि जो छोटे छोटे हमारे यूनिट्स हैं उनके सर्वे किए गए हैं, सर्वे करने के बाद आज की तारीख के अंदर जो कच्चे हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनको पक्का करने का काम तो आज तक ये कर नहीं पाए इंडस्ट्रीज को। ये इंडस्ट्रीज इतने डरे हुए हैं, वो कहते हैं कि सर्वे कर रहे हैं और कभी भी हमें निकाल कर बंद कर सकते हैं।
यानी रोजगार दिए नहीं है, लोगों को बेरोजगार करने का काम ये सरकार जरूर कर रही है। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।